नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और मेरा चैनल है पॉलीगुरु जी। सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी वीडियो पहुंच सके आपके पास, ड्राइंग से संबंधित या जो भी सब्जेक्ट हो, डिप्लोमा से संबंधित, ITI से संबंधित। प्रकार, तो स्केल कितने प्रकार का होता है? स्केल कितने प्रकार का होता है? तो स्केल जो है आपके सामने दिख रहा है, पहला है सिंपल या प्लेन स्केल, पहले को सिंपल या प्लेन स्केल जिसको साधारण मापनी कहते हैं, दूसरे को डायगोनल स्केल विकर्ण मापनी कहते हैं, तीसरे को चौर्ड स्केल जीवा मापनी कहते हैं, और चौथे को आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक इसको सममितीय स्केल के मापनी के नाम से जाना जाता है। वर्नियर स्केल और एक जो है कॉम्पिटेटिव स्केल है, लेकिन हमारे डिप्लोमा के सिलेबस में पहले ये तीन होता था, सिंपल स्केल, प्लेन स्केल और दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा चौर्ड स्केल जीवा मापनी तक ही। पिछले सेमेस्टर ये मतलब कि 2018 तक आपका यहाँ तक था, उसके बाद इस साल से नए सत्र से 2019 से ये आपका चौर्ड स्केल भी हट गया। मतलब यह तीन आपको नहीं पढ़ना, चार आपको नहीं पढ़ना, पढ़ना कौन सा? तो यही दो आपको पढ़ना है, आपको यही दो पढ़ना है, वो है सिंपल स्केल है, प्लेन स्केल है और एक डायगोनल स्केल है। ठीक है, प्लेन स्केल क्या होता है? ठीक, तो प्लेन स्केल को हम कहते हैं कि वह स्केल जिसमें दो अंकीय स्थान का मतलब जैसे कि 95 हो गया, 89 हो गया या 4.9 हो गया, या जो है कि 6.8 हो गया, या ऐसा कोई स्थान जिस या ऐसा कोई अंक जिसमें दो अंक का स्थान हो, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये अगर इस तरह का सवाल में पूछता है कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कह दिया कि एक मापनी में जिसमें ये इतना दर्शाया जा सके, इतना दर्शा सके, तो जिसमें स्केल सिंपल स्केल में क्या कहेंगे कि वह स्केल जिसमें केवल दो इकाई अंकीय स्थान तक दूरी को दर्शाया जा सके वो सरल मापनी कहलाता है, या वह मापनी जिसमें दो अंकीय स्थान तक या दो मात्रक, एक साथ कितने मात्रक, दो मात्रक, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर या हेक्टोमीटर, डेकामीटर या जो है कि डेकामीटर मीटर या आपका वो, या फिर मीटर कामा डेसीमीटर या मीटर सॉरी डेसीमीटर कामा सेंटीमीटर, मतलब कि इसमें दो इकाई को, दो यूनिट को तो एक साथ दर्शाया जाएगा, उसमें भी पहले यूनिट का दसवा भाग दूसरा यूनिट होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो बताया था कि एक किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, बताया था ना, एक किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। देख लीजिए, ये इसका दसवा भाग ये है, 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 अर्थात कभी भी सिंपल स्केल उस स्केल को कहते हैं जिसमें दो यूनिट को दर्शाया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके उसमें, लेकिन प्रत्येक दो यूनिटों के बीच में 10 का फैसला हो। कितने अंक का? 10 का, मतलब कि दूसरा यूनिट पहले यूनिट का दसवा भाग, दूसरा यूनिट पहले यूनिट का दसवा भाग। ठीक, तो उस स्केल को कौन सा स्केल कहेंगे? सिंपल स्केल कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? या जो है कि फिर हम कहेंगे कि इसमें कितने यूनिट को दर्शाया जाता है, दो, एक साथ दो यूनिट को या दो अंकीय स्थान तक, जैसे मैंने बता दिया कि कहां कहां रहा। तो ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे, बिल्कुल अब सवाल की बात करते हैं, कैसे प्रश्न पूछेगा आपसे, किस तरह से प्रश्न दिया जाएगा, कैसे आप हल करेंगे। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक सवाल ऐसे देगा आपको, आपको हल करना पड़ेगा। तो देखिए, दो स्टेप है उसमें, एक उसका न्यूमेरिकल पोर्शन, दूसरा उसका डायग्राम पोर्शन, मतलब कि फिगर दर्शाना। तो सात नंबर जो होता है वो न्यूमेरिकल पे होता है, सात नंबर जो होता है वो आपका फिगर पे होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल के। तो सबसे पहले केस में पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है, क्या ये रहा कि तीन सेंटीमीटर इक्वल टू एक डेसीमीटर की एक सरल मापनी बनाओ जिसमें अधिकतम 5 डेसीमीटर नापा जा सके, ठीक, तथा कम से कम 1 सेंटीमीटर तक माप सके, मापनी पर 4 डेसीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखाओ। तो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले RF निकाला जाता है, सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है, RF को हम लोग कहते क्या थे, तो निरूपक भिन्न, याद है, क्या कहते थे, निरूपक भिन्न, RF को क्या कहते थे, निरूपक भिन्न। तो निरूपक भिन्न होता क्या है, तो हमने बताया था कि छोटी दूरी लिखवाया था ना, या छोटी मात्रक बटे बड़ी मात्रक, ठीक,
तो ये बताइए इन दोनों में से छोटी दूरी कौन है, 3 सेंटीमीटर छोटी दूरी है कि 1 डेसीमीटर है? तो सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, तो छोटा मात्रक ऊपर, बड़ा मात्रक डेसीमीटर, बड़ा मात्रक नीचे, याद रहेगा। तो यहां हो जाएगा आपका आरएफ निकालेंगे तो आरएफ इक्वल टू, तो 3 सेंटीमीटर बटा में 1 डेसीमीटर। अब हमने बताया था कि सरल मापने में ऐसी 2 इकाई दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक के बीच कितने का रिलेशन हुआ, 10 का। तो यहां हम बात करेंगे, बताया था मैंने कि किसको किस में बदलते हैं, सेंटीमीटर में। तो यहां लिखेंगे कि 3 सेंटीमीटर अपान 1 × 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 सेंटीमीटर 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 कट जाएगा तो होगा कितना कि 3/10। किसका मान आ गया बाबू, तो ये मान है आर एफ का, आर एफ इजकल टू 3/10। आर एफ का मान निकाल लिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, एम डी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। तो इस पूरे सवाल में अगर जिस मान के पहले या बाद यह लिखा हो कि एक सरल मापने में जिसके द्वारा अधिक से अधिक इतना इतना मापने के लिए पर्याप्त हो, ऐसा 2 शब्द कहीं कहा है, एक शब्द के एक अंक के सामने कहा, किसके सामने, जिसमें अधिकतम 5 डेसीमीटर कहा है ना, तो एम डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डी इक्वल टू 5 डेसीमीटर। अगर मान लीजिए यह नहीं दिया होता तब कैसे एम डी मानते, प्रश्न ये भी फंस सकता था कि अगर एम डी अधिकतम नहीं देता तब कैसे मानते, तो उसमें माना जाता है जो प्रदर्शित करने वाली दूरी दी होती है ना उसके अनुसार। जैसे कह रहा है कि 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो एम डी मानने का तरीका यह भी है, कह रहा है कि 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा बाबू, एम डी कैसे माना जाता है कि हमेशा बड़े वाले मात्रक के मान में 1 अंक की वृद्धि करते हैं, हमेशा बड़े वाले यूनिट के मान में 1 अंक की वृद्धि करते हैं, तो 4 × 5, और छोटे वाले मात्रक के मान को 0 कर देता है। तो कितना एम डी हुआ, 5 डेसीमीटर। एम डी कितना हो गया, 5 डेसीमीटर। आज दिया भी है तो कितना है, 5 डेसीमीटर। आपने बताया था कि जैसे एम डी निकल जाए लास्ट में क्या निकालना होता है, एलओएस, एलओएस इक्वल टू आर एफ गुणे एम डी होता है। तो आर एफ का मान कितना आया था, 3/10, एम डी का मान आया है 5 डेसीमीटर। और हमने एक और चीज आपसे कहा था, ये कहा था कि जो एम डी का मान होता है, जो एम डी का मात्रक होता है वही एलओएस का मात्रक होता है, और एलओएस का मैंने बताया था कि एलओएस का मात्रक हमेशा किसमें होता है, सेंटीमीटर में, अर्थात इस मात्रक को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे कि 3/10 गुणे 5 गुणे, आप जानते हैं कल के वीडियो के बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे कि 5 × 10 सेंटीमीटर, ये कट गया और ये आ गया आपका एलओएस का मान। तो एलओएस इक्वल टू आ गया कितना, तो 3 × 5 = 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, एलओएस का मान कितना आया, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 7 नंबर का तो काम हम लोग कर लिया। अब इसके बाद से 7 नंबर आएगा आपका डायग्राम खींचना, कैसे डायग्राम खींचा जाएगा, तो इसमें कोई त्रुटि, अब इसका डायग्राम बता रहे हैं। ओके, मान आया था 15 सेंटीमीटर, ठीक, याद रखिएगा जितना एलओएस का मान आता है उतनी लंबी रेखा खींची जाती है, एकदम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। तो जित एलओएस का मान कितना आया था, 15 सेंटीमीटर। भले हमारा बोर्ड बड़ा है थोड़ा सा, तो हम डायग्राम खींचेंगे तो बड़ा खींचेंगे ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप कितना खींचेंगे, 15 सेंटीमीटर, याद रखें कितना खींचेंगे, 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ खींच रहे हैं लंबी रेखा, कितनी लंबी रेखा बाबू, तो 15 सेंटीमीटर। हमने 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दिया। 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचने के बाद अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर लगभग नीचे आते हैं, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नीचे आते हैं, इधर से भी और इधर से भी 2 सेंटीमीटर नीचे आते हैं, दोनों साइड से 2-2 सेंटीमीटर नीचे आ गए। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, मिला दिए, अर्थात जितना एलओएस आया उतनी लंबी रेखा खींच लिया हमने। ये 2 सेंटीमीटर अपने मन से लिया जाता है, ये 2 सेंटीमीटर अपने मन से, इसका कोई प्रश्न में चर्चा नहीं था। अब इसको क्या किया जाता है कि बाबू जितना एम डी होता है उतने भागों में बांटा जाता है। एम डी आपका कितना था, एम डी इक्वल टू था 5 डेसीमीटर, एम डी इक्वल टू कितना था, 5 डेसीमीटर। तो इसको कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। चलिए तो कितना लंबा था ये, 15 सेंटीमीटर, फिर इधर से भी कितना खींच दें, 15 सेंटीमीटर, 5 भागों में बांट सकते हैं, 3-3 का एक भाग। तो यहां से न्यून कोण बनाती हुई रेखा, अर्थात 30 अंश 35 अंश 40 अंश कुछ भी खींच सकते हैं आप, कितनी लंबी रेखा खींचेंगे, तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर खींच दिए हमने। 15 सेंटीमीटर खींचने के बाद कॉर्नर से मिला दिया जाता है, कॉर्नर से मिला दी, ये इसकी लंबाई कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो 0, 1 कितने भागों में बांटना है, तो जितना एम डी है उतना, 0, 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 5। इसके बाद आप एम डी एंगल पे कस दीजिएगा, उसके बाद से सबको एक समांतर लेते आइए, इधर 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 5, फिर यहाँ
अब बिल्कुल वर्टिकल ऊपर चले जाएंगे, यहां से इंक्लाइन गए कैसे उससे हमें नहीं मतलब है, बस मिला दिए, मिलाने के बाद यहां से सीधे ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, चले गए। याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट साइड से पहले बॉक्स को छोड़ के काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अर्थात यहां 0, 1, 2, 3, 4 और 1 इधर 5। क्लियर है, 5 हो गया। किसमें कह रहा था टोटल, तो 5 डेसीमीटर, देखिए हो गया ना 5 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर इधर और 1 डेसीमीटर इधर, 5 डेसीमीटर में हम इसको विभाजित कर लिए तो ये हो गया, इधर भी किसमें हो गया डेसीमीटर और इधर भी किसमें हो गया डेसीमीटर में हो गया, 4 × 5 डेसीमीटर। याद रखिएगा चाहे सरल मापनी हो चाहे बिगड़ मापनी हो, इसके पहले माप पहले भाग को हमेशा 10 भागों में बांटा जाता है। बॉक्स के पहले भागों में कितने, बॉक्स के पहले जो कि टोटल इस चित्र के पहले बॉक्स को कितने भागों में बांटते हैं, 10 भागों में। कितने भागों में, 10 भागों में। तो इसके लिए एक और यहाँ पे झुकी हुई रेखा खींचते हैं, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई अपने मन से रखा जाता है 4 सेंटीमीटर या इसी को कहते हैं 40 mm, 4 सेंटीमीटर या 40 mm इसकी लंबाई लेते हैं। क्यों 4 सेंटीमीटर या 40 mm, क्योंकि इसकी लंबाई, ये मान लीजिए कि अगर 15 सेंटीमीटर आया तो हम 15 खींच दिए तो 5 भाग में बांट देते तो थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया है। अगर मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर इसका मान ना आया होता, 10 सेंटीमीटर आया होता या 10 से भी कम आया होता, तो ये 2 सेंटीमीटर के बॉक्स बच जाना, 10 सेंटीमीटर आया होता तो 5 भाग में बांटना होता, तो बताइए कि 2 सेंटीमीटर को 10 भाग बांट पाएंगे, काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसकी लंबाई कितनी ली जाती है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर कितने पॉइंट लगाएंगे, 10। याद रखिए हमेशा कितने पॉइंट, 10। क्यों, एक प्रश्न आता है क्यों 10 भाग में बांटेंगे, क्योंकि किसमें दर्शाना था बाबू, तो डेसीमीटर सेंटीमीटर, और आप जानते हो कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अर्थात 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर में बांटना था, 5 डेसीमीटर हो गया। अब पहले भाग को 10 भागों में, अब तो तभी ना सेंटीमीटर में बदलेगा वो। चलिए ठीक है, तो इधर पॉइंट लगाइए 0, 1 और लास्ट वाला 10। इसके बाद इधर खींचने के बाद सबको बराबर बांटना है, सीधे ऊपर निकल जाइए 1, 2 और लास्ट वाला 10। ठीक, अब यहां पे आया तो 10 बदल गया, लेकिन 10 किस में बदला तो क्या हो गया, तब यहां लिखेंगे क्या कि अब यहां लिखेंगे 10, और 10 लिखने के बाद मात्रक चेंज, तुरंत क्या लिखेंगे अब सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। अब भाग कितने का था, 1 डेसीमीटर का, गिन लीजिए कैसे, तो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आप इक्वल टू जानते हैं वो कितना होता है, 1 डेसीमीटर हो गया 1 डेसीमीटर का भाग। चलिए ठीक है, अब आपको दूरी क्या दर्शाना था, 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 4 डेसीमीटर इधर, इसमें कितना, तो 2 सेंटीमीटर, 0, 1, 2 यहां से ये हो गया, इधर तुरंत निकल गए हम, यह दूरी हो गई 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद यह दूरी दर्शा नहीं जाता, ये हम आपके लिए बताया थे, अब यहां से ये खींचा जाता है, इसकी लंबाई दर्शा दी जाती है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इस तरह से बाबू आपका सवाल हो गया। अगर ऐसा कोई आज इसमें प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो प्रश्न को। बस इतना ही आज के लिए, जय हिंद जय भारत।